हेलो दोस्तों, आप लोग का यूएसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग का स्टैंडर्ड 6 का जो प्रैक्टिस सेट था 4 वे लेकर आ चुका हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में ही दोस्तों ये दिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। दोस्तों इस चैप्टर का नाम ही है इंटीजर्स नंबर, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको तीनों चीज़ समझा दूँ। नेचुरल नंबर होता क्या है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है। दोस्तों नेचुरल नंबर वे नंबर होता है कि जो 1 से चालू होकर पॉजिटिव की तरफ इन्फिनाइट तक जाता है, इसे नंबर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बट वे सब क्या होता है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। दूसरा दोस्तों हम लोग को होल नंबर, होल नंबर क्या होता है दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में इन्फिनाइट तक जो नंबर जाता है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, होल नंबर बोल सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट वाला हम लोग का जो है इंटीजर्स नंबर, जो कि माइनस एंड प्लस दोनों तरफ इनफिनाइट बोले तो अनलिमिटेड होता है दोस्तों, उसका कोई लिमिट नहीं होता इंटीजर्स नंबर, मतलब माइनस के तरफ भी इनफिनाइट जाता है, प्लस के तरफ भी इनफिनाइट जाता है, ऐसे दोस्तों नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इसके लिए देखो दोस्तों आपको जो सर्कल बना है मीन्स इंटीजर्स के अंदर ये दोनों नंबर आते हैं दोस्तों, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, माइनस भी, मतलब इंटीजर्स के अंदर ना ये दोनों नंबर आ गए। होल नंबर के अंदर दोस्तों नेचुरल नंबर आता है, बट नेचुरल नंबर के अंदर ये दोनों नंबर नहीं आते। तो आपको दोस्तों ये तीन चीज था, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स नंबर, तीनों आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अब दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस सेट 4 है वे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या है, बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं आपको सामने से करके दिखाता हूँ, क्लियर एकदम, डाउट नहीं होगा दोस्तों आपको, हर एक चीज हम क्लियर समझाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या लिखना, देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला, प्रैक्टिस सेट 4 करना है हम लोग को। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। दोस्तों हम लोग को यही करना है, तो आपको क्या करने का, खाली क्वेश्चन फर्स्ट में जो भी आपका रहेगा आप लिखोगे। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराता हूँ दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स लिख देंगे, ये हो गया दोस्तों हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करना है, नेगेटिव नंबर लिखना है, क्या लिखना है, नेगेटिव नंबर लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, हाँ अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, दूसरा नेगेटिव नंबर्स, हो गया दोस्तों आपका, देखो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स हम लोग क्या किए, दोनों लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इस जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन, इसमें से ही हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, जैसे कि हम लोग को क्या दिया, प्लस फाइव, तो सॉरी माइनस फाइव, तो माइनस फाइव किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में, दोस्तों नेगेटिव में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको नेगेटिव में लिख देंगे। तो नेगेटिव में लिख दोगे तो यहाँ पर ही आप लिख दो माइनस फाइव, उसके बाद दोस्तों क्या दे दो, कॉमा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते, प्लस फोर, तो प्लस फोर किस में आएगा दोस्तों, पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर लिख दो प्लस। और दोस्तों कोई भी नंबर के सामने कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, बट दिया है तो हम लोग लिख देते। उसके बाद क्या, माइनस टू, तो हम लोग किसमें लिखेंगे, माइनस टू नेगेटिव में। अब इसके बाद हम लोग का दोस्तों क्या है, सेवन है, तो सेवन हम लोग किसमें लिखेंगे दोस्तों, पॉजिटिव में लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग का क्या, प्लस 26, वे भी पॉजिटिव में आएगा, और वे भी सामने प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग का क्या, माइनस 49, तो माइनस 49 हम लोग किस में लिखेंगे, नेगेटिव में। अब इसके बाद दोस्तों क्या, माइनस 37, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे, क्या हमारा माइनस 37। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बाकी और मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझा दिया दोनों दोस्तों, देखो लिख दिया ऐसा, पॉजिटिव लिख के उसके सामने जो है लिख दो, नेगेटिव लिख के उसके सामने लिख दो, आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोस्तों फर्स्ट जो होता है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। बाकी आपको जितना भी बचा आप अपने हिसाब से लिखोगे। अब दोस्तों इसमें हम लोग को सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड में क्या बोला दोस्तों, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर इन सम क्या है, सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। हम लोग को दोस्तों इसमें देखो दिया है, हम लोग को प्लेस दिया है, प्लेस का नाम दिया है, टेम्परेचर दिया है दोस्तों, कितना कौन से सिटी में टेम्परेचर है उसको हम लोग को क्या करना, साइन लगाना है दोस्तों। बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है, क्या दिया हम लोग को दोस्तों, शिमला में कितना दिया, 7 CS हम लोग का जो बिलो, मतलब बिलो, खाली दोस्तों आपको क्लियर में बताऊं, बिलो अगर जहां पर बोलेगा तो समझ जाने का कम है, उसके बाद दोस्तों अब बोलेगा तो क्या है, ज्यादा है। तो आपको दोस्तों मैं यहाँ पर ही बता दूं कि हम लोग कैसे लिखेंगे, खाली क्या करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर का नाम, मतलब जैसे कि अभी क्वेश्चन सेकंड का आपको सॉल्यूशन बता दूं दोस्तों, तो हम लोग क्या कर देंगे, जैसे शिमला है, क्या है शिमला,
शिमला लिख दिया दोस्तों। इसमें क्या हम लोग को बोला है 7 अंश सेल्सियस हम लोग का विलो है, विलो बोले तो कम है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विलो मतलब कम, तो -7 अंश जो हमारा सेल्सियस है दोस्तों, ये हम लोग का कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम लोग का ले है, दिल्ली है और नागपुर है दोस्तों, तो अभी इसमें दूसरा वाला भी बिलो दिया तो ये भी हम लोग का क्या होगा दोस्तों, माइनस लग जाएगा। एंड तीसरा वाला हम लोग का क्या दिया दोस्तों, अबो दिया है, तो हम लोग उसको भी लिख देंगे, लिख दिया दोस्तों। अब इसमें हम लोग को क्या दिया, अबो दिया, तो हम लोग इसको क्या लगा देंगे, प्लस प्लस 22 अंश सेल्सियस, बस बात खत्म दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस इसमें लिखना है कौन सा हम लोग को क्या दिया, शिमला में कितना विलो दिया था, लेह में हम लोग को विलो दिया, दिल्ली में अबो दिया, नागपुर में हम लोग को अबो, तो जिसमें अबो दिया उसमें दोस्तों हम लोग को प्लस लगाना है, एंड जिसमें हम लोग को विलो दिया उसमें क्या करना है माइनस। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था दोस्तों वे भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला दोस्तों और सिंपल है, बस आपको क्या करना है, बस ध्यान देना है और वे भी आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, मैं इसको समझाऊंगा दोस्तों। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, सिग्नेचर ही लगाना है, मतलब सिग्नेचर बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या लगाना है, साइन लगाना है, सिग्नेचर नहीं करना है दोस्तों, साइन लगाना। राइट द नंबर इन द फॉलोइंग एग्जांपल यूजिंग द प्रॉपर साइंस, हम लोग को दोस्तों साइन लगाना है, कौन सा कम है, अभी दोस्तों डेप्थ 50 क्या है 512 मीटर बिलो, बिलो बोले तो दोस्तों क्या होता है, अभी जस्ट मैं आपको ऊपर बता, बिलो बोले तो हम लोग का क्या होगा कम होगा, तो गहराई में डेप्थ बोले तो गहराई हो गया दोस्तों, तो हम लोग का बिलो बोलेगा तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर में क्या लगा देना, -512 मीटर, बस दोस्तों इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग का दोस्तों ए भी आप देखोगे हाई बोल दिया, क्या बोल दिया दोस्तों, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट बोल दिया तो आपको क्या करना प्लस लगा देना है दोस्तों, और नहीं लगाओगे प्लस तो भी चलता, क्योंकि किसी नंबर के आगे अगर कुछ साइन नहीं रहता दोस्तों तो क्या रहता है प्लस रहता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा देखोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, तो ए भी हमारा प्लस में आ जाएगा दोस्तों, ए भी हमारा माइनस नहीं होगा, और क्योंकि फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग मतलब उड़ना दोस्तों, ऊपर कोई भी चीज जा रहा है, काइट इज फ्लाइंग अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम क्या है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दोस्तों 120 मीटर ऊपर कोई चीज जा रहा है, तो अप हो रहा है, मीन्स प्लस में ही आ रहा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हम लोग को इसमें ध्यान से दोस्तों देखो क्वेश्चन, अभी आप सिक्स स्टैंडर्ड लोग कंफ्यूज मत होना दोस्तों, कि आपको क्वेश्चन पढ़ के खाली में दो चीज आपको जो शॉर्टकट में समझ में आना चाहिए, तो अगर आपको हाई बोल दिया या तो अबो बोल दिया दोस्तों समझ जाना प्लस आएगा, बिलो बोल दिया, अंडर बोल दिया दोस्तों तो ऐसा कुछ भी रहेगा, तो डेप्थ बोल दिया तो आपको समझना कि गहराई में जा रहा है, तो मतलब क्या होगा हमारा माइनस में। इसमें भी दोस्तों देखो आपको क्या बोलेगा 2 मीटर, तो ये भी आंसर क्या आएगा आपका -2 मीटर लिखना दोस्तों। आपको मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिस सेट आपका जो फोर्थ था स्टैंडर्ड 6 का वे भी कंप्लीट होगा दोस्तों। अगर इस चैनल पे नया रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी तरीके से जो नॉलेजफुल वीडियो है दोस्तों। और आपका एक चीज बता दूं कि जो कंटिन्यू आपका हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो एचडी टेक चैनल पे मिल रहा है, तो दोस्तों इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और जितने हो सकता है दोस्तों अपने शेयर करो, क्योंकि इस चीज सबको हेल्प मिले दोस्तों, तो इसको कर लो।